हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हिमाचल बीजेपी सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प अभियान की शुरुआत करने जा रही है। साथ ही बताया कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी, जयराम ठाकुर सहित अन्य स्टार प्रचारक इस अभियान के तहत रैलियां करेंगे। साथ ही बताया कि 5 नवम्बर और 9 नवम्बर को पीएम मोदी भी हिमाचल का दौरा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 30 अक्टूबर को 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प अभियान के तहत जनसभाओं का आयोजन करेगी। अर्थात सभी विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को हमारे जो स्टार प्रचारक हैं वो हर विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी रैलियां करेंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि विजय संकल्प अभियान के जरिए बीजेपी प्रदेश में रिवाज बदलने जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जनता के लिए जो काम किया उससे जनता ने रिवाज बदलने का मन बना लिया है। साथ ही कहा कि बीजेपी ने हमेशा प्रदेश के लिए देने का काम किया है जबकि कांग्रेस ने केवल छीना है। कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे तो करती रही लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश से विशेष राज्य का दर्जा छीना। इसके अलावा हिमाचल को मिलने वाले इंडस्ट्रियल पैकेज को भी कांग्रेस की सरकार ने खत्म किया। पार्टी की सरकार जब भी इस देश में रही हमको दिया ही दिया। अटल जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का स्टेट का स्टेटस माननीय अटल जी ने दिया था। उसके बाद इंडस्ट्रियल पैकेज हमको माननीय अटल जी ने दिया लेकिन कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने हमसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो स्टेटस था उसको भी छीन लिया और इंडस्ट्रियल पैकेज था उसकी सीमा को भी घटाया।